दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश का घमंड चकनाचूर कर दिया और उधर बाहर हो गया पाकिस्तान, जिसको बर्दाश्त ना कर पाई सानिया मिर्जा, और भारत की होने के बावजूद भारतीय टीम के लिए दिया शर्मनाक बयान। जहर उगलते हुए उन्होंने रोहित और कोहली के लिए जो बातें कही हैं उससे कोई भी भारतवासी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। साथ ही उन्होंने अपने बयान में बाबर आजम के लिए क्या कहा है, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि राहुल, कोहली और सूर्या में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका से मिली हार ने भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को करारा झटका दिया, लेकिन भारतीय टीम ने किंग कोहली और केएल राहुल की बदौलत धमाकेदार वापसी की और बांग्लादेश को आखिरी ओवर में शिकस्त देकर हमने सेमीफाइनल में अपना स्थान निश्चित कर लिया। हालांकि ये मैच शुरू होने से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि बांग्लादेश हमें आखिरी ओवर तक कड़ी टक्कर देगा, लेकिन ये टूर्नामेंट ही पलटवारों का रहा है। पर भारतीय टीम ने ऐसी कोई अनहोनी नहीं होने दी और पलटवार बांग्लादेश को रगड़ के रख दिया और 130 करोड़ भारतवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए उन्होंने हमें जश्न मनाने का एक और मौका दे दिया। लेकिन दोस्तों, जहां हर एक भारतीय अपनी टीम की सफलता से खुश है, तो वहीं भारत की बेटी और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा इस जीत से बहुत अधिक खफा नजर आ रही हैं और उन्होंने अपना गुस्सा भारतीय टीम पर उतारते हुए ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसने इंटरनेट के गलियारों में सनसनी मचा दी। जी हां दोस्तों, सानिया मिर्जा ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि मैच बेहतरीन रहा, बांग्लादेश ने भारत को बेहतरीन टक्कर दी और यदि किस्मत ने भारतीय टीम का साथ नहीं दिया होता तो आज वो शर्म से अपना मुंह छुपा रहे होते और पाकिस्तान की टीम जैसा उनका ही हाल होता। और भारतीय टीम को ये जीत उनकी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि बारिश की वजह से मिली है, क्योंकि उसकी वजह से मैच में खलल पड़ा और बांग्लादेश का रिदम टूट गया और भारत ने वापसी कर ली, नहीं तो बांग्लादेश बड़ी आसानी से मैच अपने नाम कर लेती। और हालांकि उनके लिए खुशखबरी है कि राहुल फॉर्म में आ गया और विराट का बल्ला तो टूर्नामेंट में आग उगल रहा है। इसके अलावा भारत की गेंदबाजी भी शानदार लय में नजर आ रही है, वो इस विश्व कप को जीतने का सबसे मजबूत दावेदार है। हालांकि वो सेमीफाइनल में हार कर बाहर हो जाएंगे, ये बात तो तय है, और एक बार फिर से सभी फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर देंगे। यहाँ तक का सफर तो आसान था, लेकिन अब मुश्किल टीमें आती हैं तब भारतीय टीम की जीत की उम्मीदें करना ही बेवकूफी है। तो दोस्तों, सानिया मिर्जा ने अपने बयान में भारतीय टीम को कम आंकने की गलती कर दी है। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम सेमीफाइनल के बाद फाइनल में अपनी जगह निश्चित कर पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे में कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।